Hello friends, today climate is polluted in nearly every city. The main reasons being stubble burning, factories, vehicles, festivals and so on. People cannot breathe and the need of the hour is something that could clean the environment. So on the thought of that, I built a air ionizer. It will purify the air of a 10 by 10 room in nearly 5 hours. So now let's begin the video. एक एयर आयोनाइजर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है एयर में यूजिंग वेरी हाई वोल्टेज, इन दिस केस 7 to 15,000 वोल्ट्स। एक एयर आयोनाइजर ऐसा काम करता है कि ये हर एक कैपेसिटर चार्ज होल्ड करता है और वह चार्ज हर एक कैपेसिटर के साथ ऐड होता रहता है और एंड में हमारे को 7 से 15,000 वोल्ट्स तक मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज है तो हम इसका करंट लिमिट करने के लिए करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं। इन दिस केस मैंने 5 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाई है ताकि करंट लिमिट हो सके। मैंने एक नीडल इसलिए यूज़ करी है क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स एक पॉइंट से जाना प्रेफर करते हैं ना कि एक राउंड शेप से। एक और रीज़न है कि हमारे को सारे शार्प पॉइंट्स जहाँ से हैं उन्हें ब्लैक टेप या फिर हीट श्रिंक से कवर करना चाहिए। So here are some precautions to take while using this gadget. आपको कभी भी इसे adult supervision के बिना इसे नहीं use करना है। Never touch the needle while the gadget is running. और हमारे को कभी भी PCB को touch नहीं करना क्योंकि capacitors do hold charge. जब ये gadget off भी हो जाए तब भी हमारे को इस needle को नहीं touch करना for a minute or two, क्योंकि capacitors charge hold करते हैं थोड़ी देर तक। हाँ, हम 5 मिनट रुक के इसे टच कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। नेवर डू चेंजेस व्हाइल द गैजेट इज रनिंग। और हाँ, अगर मैं अभी गैजेट और ये नीडल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सो मेक श्योर दैट योर वायर विच इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट इज नॉट एक्सपोज्ड। सो नाउ लेट्स गो टू द पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट। फॉर दिस प्रोजेक्ट यू विल नीड 30 0.1 माइक्रोफेरेड 630 वोल्ट कैपेसिटर्स, 31 and 4007 डायोड्स, 5 1 मेगा ओम रेजिस्टर्स, 1 केबल, 1 SPST स्विच, 1 LED एंड ए PCB। अगर आप इसे PCB पे बना रहे हो तो आप एक लंबी PCB लेना, और अगर आप इसे बिना PCB के बना रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नाउ लेट्स गो टू दिस सर्किट डायग्राम। सो हियर इज द सर्किट डायग्राम फॉर एयर आयोनाइजर। जैसे कि आप देख सकते हो, इधर मैंने हर एक कैपेसिटर को सीरीज में लगाया। सीरीज में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अब हर एक कैपेसिटर वोल्टेज को बूस्ट करता रहेगा और एंड में काफ़ी हाई वोल्टेज आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एंड में 4 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाई हैं। ये रेजिस्टेंस करंट को लिमिट करती है ताकि वो आउटपुट पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ना आए विद हाई करंट, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाई है। और ये डायोड्स को आपको बहुत केयरफुली लगाना होगा क्योंकि अगर आपने एक भी डायोड उल्टी लगाई तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा, पर हाँ आपका सर्किट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो ऑन भी नहीं होएगा, ना ही कोई स्पार्क होएगा, क्योंकि जैसे वो एक उल्टी डायोड लगी है वो वोल्टेज को आगे फ्लो ही नहीं करने देगी। सो नाउ लेट्स मेक इट। सबसे पहले मैंने हर एक कैपेसिटर को PCB के ऊपर फिक्स करा। कैपेसिटर्स को फिक्स करने के बाद मैंने उन सब को PCB के ऊपर सोल्डर करा। कैपेसिटर्स को फिक्स करने के बाद मैंने उन सब को सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिया। Here is a close-up picture of how I soldered the capacitors. Capacitors को series में connect करने के बाद मैंने इन diodes को equal length में cut करा। डायोड्स को इक्वल लेंथ में कट करने के बाद उन्हें मैंने कैपेसिटर्स के साथ सोल्डर कर दिया एज पर द सर्किट डायग्राम।
Here is a close-up photo of how I soldered the diodes. And now a circuit is completed. I used a Stiffen box as a cabinet for placing my air ionizer. And here is the high voltage arc, and it looks beautiful. Thank you guys for watching. Please do like, share and subscribe. And also you can follow me on Instagram and Facebook at Class Projects by Sartaj. You can also find the exclusive photos of my projects, their description and their code at my website www.technotaj.com. And as always, I'll see you in the next video.